बहराइच में दिखा है बुलडोजर एक्शन का खौफ। बताते चले हैं, बुलडोजर के डर से घर खाली कर रहे हैं लोग। लगभग 25 से ज्यादा लोगों को नोटिस यहां पर दिया गया था अतिक्रमण हटाने के लिए। लोगों ने खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया अपने घर को। बता दें कि कार्रवाई से पहले खुद तोड़े हैं आशियाने। मुख्य आरोपी समेत 23 लोगों को लगभग नोटिस जारी हुआ था। पीडब्ल्यूडी ने दिया था 3 दिन का समय, यानी कि 72 घंटे का समय दिया गया था। या तो लोग खुद ही अपना घर तोड़ लें, जो कि अतिक्रमण किया हुआ है उसको तोड़े, या फिर प्रशासन फिर अपने बुलडोजर कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में लोगों में खौफ है और लोग खुद ही अवैध अतिक्रमण को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी आप देखिए, लगभग 20 से ज्यादा लोग हैं जिनको नोटिस यहां पर चस्पा किया गया था, और उसके बाद जितना भी अवैध अतिक्रमण है लोग फिलहाल खुद ही तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई दुकानों को लोगों ने खाली कर दिया है जिन पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ था, और उसके बाद पीडब्ल्यूडी की तरफ से 3 दिन का समय जो है वो सभी को दिया गया था जिनको नोटिस दिया गया था। फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ नोटिस चस्पा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ लोग खुद ब खुद दुकान को खाली करते हुए नजर आए। कई लोगों ने जो अवैध अतिक्रमण था उसको भी तोड़ने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो फिलहाल जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण पर लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है, पीडब्ल्यूडी विभाग ने 3 दिन का समय दिया था, 72 घंटे के अंदर या तो लोग खुद ही अवैध अतिक्रमण को तोड़े या फिर बुलडोजर एक्शन होगा। तस्वीर आप देखिए जहाँ पर मिस्त्री की मदद से अवैध अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है। बहराइच से संवाददाता विनाश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। विनाश, फिलहाल 72 घंटे का समय जरूर शेष था, लेकिन लोग अवैध अतिक्रमण खुद ही तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिन लोगों को नोटिस दिया गया है वहां से अभी क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रही है? देखिए, 23 लोगों को नोटिस दिया गया था, और कल पूरे दिन की बात करें तो कल पूरे दिन महाराजगंज कस्बे में लोग अपनी दुकान और अपने मकान खाली करते नजर आए, मतलब कि वो हिस्सा जो हिस्सा अवैध है। कल तमाम ऐसे दुकानदार थे जिन्होंने अपनी दुकानें खाली कर ली हैं, तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने जो अतिक्रमण का हिस्सा था उसको ढहा दिया, यानी कि खुद ही तोड़ डाला है। बुलडोजर चले उससे पहले लोगों ने खुद ही हथौड़ा चलाकर अपने उस अवैध अतिक्रमण को तोड़ डाला है। देखिए, आज भी चूंकि कल तमाम ऐसे लोग थे जो महाराजगंज कस्बे में नहीं थे, वो कहीं काम से बाहर गए हुए थे, तो चूंकि 3 दिन की जो मियाद थी वो खत्म हो चुकी है, वैसे में अब जो लोग हैं वो चाहते हैं कि ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि अगर बुलडोजर की कार्रवाई होगी तो हो सकता है कि जो दुकान में सामान या जो मकान के अंदर जो कुछ सामान रखा हुआ है, चूंकि वो तो जाएगा ही, उसके अलावा जो प्रशासन की तरफ से जब कार्रवाई की जाएगी और जब मलबा हटाया जाएगा, यानी कि जो साफ सफाई की जाएगी, उसका खर्चा भी उन्हीं लोगों को वहन करना पड़ेगा जिनके खिलाफ नोटिस दी गई है और जिन लोगों को नोटिस दी गई है। तो लोग चाहते हैं कि बुलडोजर चले उससे पहले वे लोग खुद ही वहां से जो अतिक्रमण है वो खुद ही हटा ले। तो आज भी माना जा रहा है कि चूंकि कल जिन लोगों ने खाली नहीं किया था वो आज खाली करेंगे, और जो अवैध निर्माण का हिस्सा है माना जा रहा है कि थोड़ी देर बाद तकरीबन 9 से 10 बजे के बाद से जो अवैध निर्माण का जो हिस्सा है लोग खुद ही तोड़ेंगे। हालांकि प्रशासन की तरफ से यही कोशिश है कि लोग खुद ही से अपना सामान हटा लें कि उन्हें ज़्यादा नुकसान ना हो। अगर कोई सामान नहीं हटाता है तो उसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम अब्दुल हमीद की बात करें जो मुख्य आरोपी है, जो सरफराज है मुख्य आरोपी है, चूंकि उसके घर में इस वक्त वहां पर कोई नहीं है, तो माना जा रहा है कि अगर आज अतिक्रमण वहां से नहीं हटाया जाता है तो दोपहर बाद या शाम को या फिर कल वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है ऐसे में लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, लेकिन कई ऐसी दुकानें भी थी जिनको यहाँ पर नोटिस दिया भी गया था, वो दुकानें अब तक खाली हो चुकी हैं क्या? बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने पहले कहा कि 23 लोगों को नोटिस दिया गया था जिसमें से तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी दुकानों को खाली कर लिया, यानी कि जो अतिक्रमण का हिस्सा था उससे हिस्से को लोगों ने खुद ही खाली कर दिया है। तमाम ऐसे लोग थे, चूंकि कल हमने तस्वीर भी दिखाई थी कि कई ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने छज्जे को खुद से तोड़ डाला था, जो अवैध हिस्सा था उसको खुद से तोड़ डाला था, और जिन लोगों ने नहीं तोड़ा था वो आज इस कार्रवाई को करेंगे, यानी कि वो आज अतिक्रमण को वहाँ से हटाने का काम करेंगे, क्योंकि सबकी यही कोशिश है कि बुलडोजर चले उससे पहले वे लोग खुद अपने सामान को वहां से सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दे, क्योंकि अगर बुलडोजर चलेगा तो उसमें ज़्यादा नुकसान हो जाएगा लोगों को, क्योंकि उसमें उनका सामान दबेगा और जो दूसरी चीज़ें होती हैं उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन की कार्रवाई से पहले वे खुद ही वहाँ से सामान को हटा लें, खुद ही वहाँ से चले जाएँ। हालाँकि इसको लेकर चूँकि देखा जाए तो 1 से 1.5 साल पहले भी इन लोगों को नोटिस दिया गया था, क्योंकि देखिए मेन बात यह है कि वहाँ
जो मुख्य सड़क है वहां की उसको चौड़ा किया जाना है। और पीडब्ल्यूडी विभाग ने तकरीबन एक साल पहले वहां पर लाल निशान भी लगाया था, लेकिन तब लोगों को समझ में नहीं आया। लेकिन इस हिंसा के बाद चूंकि ये चर्चा एक बार फिर से चली कि यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी ने एक बार फिर से उस नोटिस को वहां पर चस्पा किया और अब ये कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, कह रहे हैं कि कार्रवाई काफी तेजी के साथ जारी है, ऐसे में विभाग के अधिकारियों से आपकी कोई बातचीत हो पाई है, क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, विभाग के अधिकारियों की बात करें तो पीडब्ल्यूडी का तो ये कहना है कि ये एक रूटीन काम है, क्योंकि जब भी कहीं पर सड़क चौड़ीकरण का काम किया जाता है तो वहाँ पर ऐसे मकानों को ध्वस्त किया जाता है जो मकान अतिक्रमण के हिस्से में हैं या फिर जो जिन लोगों ने रोड पर अतिक्रमण किया होता है तो उसको तोड़ा जाता है, तो ये रूटीन का हिस्सा है। लेकिन देखिए, इसको समझने की ज़रूरत इस चीज़ से है कि जब महाराजगंज हिंसा हुई तो पीड़ित परिवार की तरफ से कहा गया कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। चूँकि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अब किसी घर पर ऐसे कोई बुलडोजर नहीं चला सकता, लेकिन इस कार्रवाई के जरिए योगी सरकार एक मैसेज भी देना चाहती है कि अगर कोई ऐसा कृत्य करता है, कोई ऐसा अगर अपराध करता है तो वो ये ना सोचे कि बुलडोजर का जो एक्शन है वो थम गया है। तो एक मैसेज देने की भी कोशिश है कि कानून के दायरे में, चूंकि इन लोगों को नोटिस पहले दिया जा चुका है और ये कार्रवाई होनी है, लेकिन इस हिंसा के बाद चूंकि इस कार्रवाई को इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उन लोगों में एक मैसेज जाए, जो लोग ऐसे अपराधों को करते हैं, जो लोग ऐसे कामों में संलिप्त पाए जाते हैं। बिल्कुल, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बहराइच में हिंसा के आरोपियों के एनकाउंटर के बाद गिरफ्तारी हो चुकी है और अब योगी सरकार ग्राउंड जीरो पर भी एक्टिव हो चुकी है। लोक निर्माण विभाग ने अतिक्रमण हटाने को लेकर आरोपियों के घरों पर नोटिस चस्पा किया है। ये नोटिस रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मुख्य आरोपी सहित 23 लोगों के घरों पर लगाई गई है। इसमें अतिक्रमणकारियों को 3 दिनों के भीतर अपने अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया गया है। बुलडोजर की कार्रवाई से डरे लोग अब खुद ही अतिक्रमण हटा रहे हैं। बहराइच के महाराजगंज में कल पीडब्ल्यूडी विभाग ने 23 लोगों को अतिक्रमण हटाने को लेकर नोटिस जारी किया था और बकायदा कल रात में पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से यहां पर अलग अलग दुकानों पर, घरों पर नोटिस चस्पा किया गया था कि 3 दिन के भीतर लोग अतिक्रमण हटा लें वरना यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी, प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण हटाया जाएगा। लेकिन आज सुबह लोगों ने खुद ही यहां पर जो अतिक्रमण था, यानी कि जिनका अवैध निर्माण था, उस अवैध निर्माण को लोगों ने हटाना शुरू दिया है। ये आप देखिए, ये नोटिस यहां पर एक चिपकाया गया है। दरअसल इस नोटिस की कार्रवाई से पहले ही लोगों ने अब जो दुकानें थी उन दुकानों को खाली करना शुरू कर दिया है, क्योंकि देखा जाए तो सिर्फ 3 दिन का वक्त दिया गया था कि 3 दिन के भीतर इस अतिक्रमण को हटा लिया जाए। एक सज्जन है मेरे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? हाजी मोहम्मद अहमद। जरा ऐसे हो जाइए जी। जी हाजी साहब, ये जो नोटिस चिपकाई गई है, ये नोटिस मेरे ख्याल से कल चिपकाई गई जी, रात में जी। तो क्या नोटिस में पहले भी इसकी सूचना आप लोगों को दी गई? नहीं, पहले सूचना जो है कई साल पहले दी गई थी, तो उसमें लाल निशान लगा दिए गए थे। अच्छा, मतलब पहले से लाल निशान? जी हाँ, कि यहाँ तक के ये रोड की जमीन है। अच्छा, ये रोड चौड़ीकरण होना? जी हाँ, तो इसको हटवाना है। और जब ये आज रात में लगा इसको, तो हम आज इसको खाली करवा रहे हैं। खुद से खाली कर? जी हाँ जी हाँ। बुलडोजर की कार्रवाई होनी थी इसलिए पहले हम कहा बुलडोजर आवे, क्यों हम उसको बुलडोजर गिरवा, तो खुद अपने हाथ से सब गिरवा कर सही कर देंगे, खाली कर देंगे। कितनी ऐसी दुकानें हैं जिनको इनके खिलाफ? 23 दुकान को अभी तक दिया गया है। तो देखिए, ये महाराजगंज कस्बे की तस्वीर है जहां पर लोगों ने अतिक्रमण खुद से हटाना शुरू कर दिया है। चूंकि जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई उन्होंने ये कहा कि वे नहीं चाहते कि उनकी दुकानों पर, मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो, वैसे में लोग अपनी दुकान अब खुद ही खाली कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वही महाराजगंज कस्बा है जिसकी वजह से यहाँ पर आगजनी हुई, जहाँ से हिंसा की शुरुआत हुई। और आपको तस्वीर दिखा दूँ, दरअसल जो इस हिंसा का मुख्य आरोपी है अब्दुल हमीद, उसका घर भी इसी इलाके में है, यानी कि इसी मार्केट में है। और उस घर के बाहर भी आपको जो नोटिस है वो नोटिस की तस्वीर दिख जाएगी। दरअसल कल शाम में ही ये नोटिस यहाँ पर चिपकाई गई है। ये देखिए, ये अब्दुल हमीद का घर है और ये दुकानें भी हैं यहाँ सामने। नीचे की तरफ देखिए, नीचे यहाँ पर नोटिस चस्पा है और इस पर भी साफ तौर पर लिखा गया है कि 3 दिन के भीतर इस जगह को खाली कर दिया जाए, इस निर्माण को यहाँ से हटाया जाए, वरना यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। देखा जाए तो 23 ऐसे घर हैं और ऐसी दुकानें हैं
जिन दुकानों के बाहर, जिन घरों के बाहर ये नोटिस चस्पा की गई है, यानी कि 3 दिन, 17 तारीख की नोटिस है ये, 17, 18, 19, यानी कि आज इसकी मियाद खत्म हो रही है। वैसे में जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वे खुद से ही अपनी दुकान खाली कर रहे हैं, चूंकि देखा जाए तो इससे पहले भी यहाँ रहने वाले लोगों को नोटिस जारी किया गया। प्रशासन की तरफ से जो नोटिस लगाया गया है उसमें लोगों को 3 दिनों का वक्त दिया गया है। हालांकि इस मामले में आरोपियों के वकील कलीम हाशमी ने प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। वकील की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा रखी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण जिसने कर रखा है उसे अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए।